सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं जेपी पाल, आप देख रहे हैं बी न्यूज। देवरिया जनपद में बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर, कसा कानून का शिकंजा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 24 घंटे बिजली देने की बात करती है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर गांव और शहर में 24 घंटे बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से गांव की अपेक्षा शहरों में बिजली चोरी की घटना सामने आती रहती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अधिकांश नगर और ग्रामीण अंचल में कटिया कनेक्शन द्वारा लोग अवैध तरीके से बिजली का शोषण करते हैं, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी उन लोगों से कुछ पैसे लेकर बिजली लगाते हैं, जिसकी वागी देवरिया जनपद में देखने को मिली। आपको बता दें, देवरिया के जिला अधिकारी अमित किशोर के दिशा निर्देश में आज बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जेके शर्मा ने देवरिया शहर में विद्युत चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस चलाए अभियान में लगभग 65 लोगों की जांच किया। जांच के दौरान जिनके यहां लोड कम था उनकी क्षमता वृद्धि की गई। अधीक्षक अभियंता जे के शर्मा ने स्वयं एक अपने साथ अधिशांसी अभियंता शिविर कार्यालय संतोष कुमार को लेकर वंसल मेडिकल स्टोर मालवी रोड में, जिनकी बिजली का लोड क्षमता से कम होने व खर्च अधिक होने पर नया मीटर लगाते हुए 74,000 का जुर्माना किया, जिसमें बंसल मेडिकल स्टोर मालिक ने तत्काल जमा कराया। आपको यह बता दें कि आज यह अभियान चलाया गया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अधीक्षण अभियंता जेके शर्मा ने बताया कि आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा, नहीं माने जाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। व्हाइट अधीक्षण अभियंता जेके शर्मा, बिजली विभाग, ग्रामीण पुरुष व पीड़ित महिला। सूचना जैसे मिली है कि चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? उनके विरुद्ध राजस्व का निर्धारण हुआ, लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया गया और FIR की तैयारी हुई, राजस्व का निर्धारण हुआ, पैसा जमा कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये जमा कर रहे हैं। सर, ये अभियान जो अभियान चलाया सर आपने, चल रहा है आज लगभग 64-65 आदमी का बकाया पर भी लाइन काटा गया, उनकी रीडिंग भी चेक की जा रही है। शिकायत बहुत जगह शहरों में आ रही है कि लोग शंट लगा लिए हैं, तो पहले हम लोग के हिसाब से 2-5 3 बार ऊपर हमको चेक करें, फिर घरेलू के नियमों में मिल रहे हैं उनको भी चेक करें, जहाँ जहाँ मिल रही है कार्रवाई उनको सफैया होगा या फिर समय शुरू के या राजस्व निर्धारण होगा वो जमा कर रहे हैं। बहुत तेजी से न्यूज़ के लिए देवरिया से अजरेश कुमार की रिपोर्ट।